नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूं। सुबह जब मैं पार्क में गया तो मैंने वहां कुछ माली देखे जो पार्क में पेड़ों, झाड़ियों और घास की छटाई कर रहे थे। वहां से मैंने इस टहनी को उठा लिया, शायद आप इसे पहचानते हो, ये सुख चैन नाम के पेड़ की टहनी है। इसे इंडियन बीच ट्री भी कहा जाता है और ये आपको सड़कों पर, पार्कों में बहुत मिल जाएगी। मैंने इस टहनी को घर ला करके पानी में लगा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि ये टहनी कट जाने के बाद भी आपको अभी ऑक्सीजन दे रही है। कितनी ऑक्सीजन दे रही है, हम जरा आपको एक हिसाब बताना चाहते हैं। इस टहनी के ऊपर जितनी पत्तियां थी, मैंने उन्हें एक 12 इंच बाई 15 इंच के बोर्ड पर चिपका दिया है। इस पे बहुत ज्यादा ओवरलैप है, उसके बाद भी ये 180 स्क्वायर इंच का बोर्ड पूरी तरह से कवर कर दिया है। पर्यावरणविद बताते हैं कि 1-2 स्क्वायर इंच की पत्ती 1 घंटे में आपको 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देती है। उस हिसाब से ये बोर्ड, ये पत्तियां अगर जीवित रहती तो आपको 450 मिलीलीटर ऑक्सीजन देती। यदि 8 घंटे की सनलाइट है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऑक्सीजन होगी। अगर इस पेड़ की टहनी को काटने का डिसीजन 1 दिन मुलतवी कर दिया जाता तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन ये टहनी वातावरण में छोड़ती। अगर इसे 1 महीना और जीने का हक मिल जाता तो ये आपके लिए कितनी लाभदायी होती। और अगर ये 1 साल नहीं काटी जाती तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताएं कि इस टहनी ने आपको कितनी ऑक्सीजन दी होगी। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों में, घासों में, पत्तियों में पाया जाता है। कोई और मॉलिक्यूल ना तो ऑक्सीजन बनाता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ना ही आपके लिए भोजन बनाता है। तो हमें क्या हक है कि पत्तियों की, पेड़ों की, घास की छटाई करते फिरे। वो पेड़ पत्तियां जो अभी गर्मी की झुलस से बाहर निकली हैं और बारिश के मौसम में थोड़ा सा फल फूल रही हैं ताकि वो हमें ऑक्सीजन दे सके, लेकिन ये बात हमें गवारा नहीं होती। या तो सड़क की सफाई के नाम पर, या डेंगू उन्मूलन के नाम पर, या और किसी बहाने से हम उनके पीछे मालियों की फौज छोड़ देते हैं और वो उन्हें तहस नहस कर देते हैं। याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जीवन का आधार है। ये ऑक्सीजन जिसकी हमें बहुत जरूरत है और इसी के लिए हम बाकी चीजों में, फॉसिल फ्यूल जलाने में, कार चलाने में इत्यादि इस्तेमाल लेते हैं, ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ पेड़ दे सकते हैं। अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो लगे हुए पेड़ों को क्यों काटते हैं। अगली दफा अगर आप किसी को ऐसा करते देखते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उसे रोकें और समझाएं कि वो अपने जीवन पे क्यों कुठाराघात कर रहा है, अपने और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को नष्ट क्यों कर रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।